सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले जानिए फोन की पूरी जानकारी। फोन गायब होने के बाद खुद से ब्लॉक करें मोबाइल। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र गंगवार ने भारत सरकार के CEIR सिस्टम की जानकारी देते हुए CEIR का उपयोग कई व्यक्ति द्वारा किए जाने की बात कही है। CEIR की सहायता से IMEI के द्वारा अपने खोए हुए फोन को ब्लॉक किया जा सकता है। इस CEIR पर एप्लीकेशन भरने के 24 घंटे के अंदर मोबाइल ब्लॉक होने की सुविधा है तथा मोबाइल मिलने के बाद ब्लॉक फोन को अनब्लॉक भी किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किए जाने वाले नए या पुराने फोन की क्राइम स्टेटस हिस्ट्री भी चेक की जा सकती है। वहीं इस सिस्टम की पूरी जानकारी देते हुए एडीजी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 1930 पर आप कॉल करें और बताएं किस तरह का मोबाइल फोन हमारा चोरी हो गया, और साथ ही निकट के पुलिस स्टेशन में जा करके रिपोर्ट करें और रिपोर्ट की एक प्रति अपने साथ में अवश्य रखें जिसमें ये रहे कि आपके मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या गायब हो गया। आपको पता है कि साइबर थाना अब सभी जगह बन गए हैं, तो साइबर थानाओं के माध्यम से या लोकल थाना के माध्यम से ये कार्रवाई हम कर लें। उसके बाद CEIR की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ब्लॉक, स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल, यानी कि आप अपने चोरी गए या खोए गए मोबाइल को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन आपको ब्लॉक करने का मिलेगा। दूसरा मिलेगा अनब्लॉक करने का, तो अनब्लॉक तो आप तब करेंगे जब आपने पहले ब्लॉक किया हुआ। तीसरा ऑप्शन है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपने जो रिक्वेस्ट डाला है उस पर क्या हुआ, आपने ब्लॉक की जो स्टेटस डाली वो ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ। 3 सिंपल ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें आप जाएंगे तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ब्लॉक स्टोलन मोबाइल, ब्लॉक ऑप्शन को चूज करेंगे। उसमें जा करके आप अपने IMEI नंबर, जो फ़ोन आपका गया उसका IMEI नंबर डालें, उसका ब्रांड डालें, उसका कौन सा मॉडल है वो डालें, और अगर आपने परचेज़ किया उसकी रसीद आपके पास में तो उसको भी डालें। उससे आपके ऑप्शन आपके जो रिक्वेस्ट है उसको फास्ट प्रोसेस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्री CEIR जिसका नाम, तो वो रजिस्ट्री करेगी, आप रजिस्ट्री उसको ब्लॉक करेंगे। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, जो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन है जब आप डालेंगे मेरा ये फ़ोन इसका ये IMEI नंबर है, ये ब्रांड है, ये आपका मॉडल है, तो आपसे पूछेगा लॉस्ट प्लेस यानी कहाँ पर ये चोरी गया, लॉस्ट डेट किस डेट को चोरी हुआ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन ये कहाँ पर चोरी हुआ, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने पुलिस में कंप्लेंट की है कि नहीं। कंप्लेंट की आपको इसमें अपनी स्कैन कॉपी भी रखनी, तो पुलिस में आपने जो कंप्लेंट किया उसकी आप इसमें कंप्लेंट की कॉपी भी इसमें डालेंगे। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं भी आपको देनी होंगी जो आप इसमें डाल सकते हैं। इन प्रक्रिया के साथ आप 24 घंटे में अपना सिम ब्लॉक कर सकते हैं, और बाद में जा करके जो तीसरा ऑप्शन है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, तो उसमें जाके आपके फ़ोन की जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी ब्लॉक की उस पर क्या हुआ ये भी आप कर सकते हैं। नया या पुराना फ़ोन खरीदते समय IMEI स्टेटस को भी आप चेक कर सकते हैं जैसा बताया, और पब्लिक की जानकारी के लिए कि IMEI नंबर आप निश्चित रूप से अपने पास में कहीं सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा का पूरा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट के आइडेंटिटी का रजिस्टर बनाया है वो IMEI नंबर पर ही बनाया है, तो IMEI नंबर को चेक करने के लिए आप *#06# डालें अपने फ़ोन पर, मतलब कीपैड में जाएं, कीपैड में आप पहले डायल करें, फिर हैश, फिर 06, फिर हैश उसको डायल करें, तो वहां पर आपका IMEI नंबर और बाकी डिटेल आ जाएंगे। उसको आप सेव करके ज़रूर किसी डायरी में ऐसी जगह पर रखें जो फ़ोन चोरी होने पर काम है, और इस प्रकार से कोई भी नागरिक स्वयं अपने फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं, वापस मिलने पर अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत सरकार की एक योजना है कि फ़ोन चोरी को कम करना, नकली मोबाइल बाज़ार पर रोक लगाना, इसका बहुत फ़ायदा होगा, और जब वो फ़ोन किसी ब्लॉक हो जाएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो इस प्रकार से वो बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव होगा चोरी। तो आप प्रेस के माध्यम से हमने ये बात रखी है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को चोरी और गायब जो मोबाइल फ़ोन है उसकी संख्या में कमी आएगी।
आगामी श्रावणी मेला को लेकर बिहार पुलिस द्वारा तैयारी की जानकारी देते हुए एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि 2000 बल प्रबंधन को लाठी के साथ तैनात किया गया है, जिसमें महिला कर्मी भी शामिल है। वहीं 305 मानव प्रबंधन की तैयारी की गई है। 11 कमरे सशस्त्र बल की भी तैनाती की गई है। वहीं अलग अलग जिले में भी भीड़ नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रावणी मेला को लेकर एडीजी ने क्या कहा, आइए उनसे जानते हैं। कल से प्रारंभ हो रहा है श्रावणी मेला। इस बार नया इस हद में होगा कि श्रावण मास, जैसा कि बताया जा रहा है कि 59 दिनों का पड़ेगा, लगभग 2 महीने तक चलेगा सावन का महीना। इसमें 8 सोमवारी पड़ेंगे और बीच में अन्य पर्व त्यौहार भी पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में पूरी समीक्षा करते हुए पुलिस मुख्यालय के स्तर से व्यापक बल प्रबंधन और मानव प्रबंधन का कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत मानव प्रबंधन के अंतर्गत 305 पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया है। उसके अलावा बल प्रबंधन में करीब 2000 हमारी जो पुलिस बल हैं, जो लाठी के साथ तैनात रहेंगे, जिसमें महिला पुलिस बल भी शामिल है, वो लोग रहेंगे। उसके अलावा करीब 2500 गृह रक्षक इस पर तैनात किए जाएंगे, वो अतिरिक्त बल की व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा 11 कंपनी सशस्त्र बल की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पर्याप्त बल के प्रबंधन किए गए हैं। और कई जिले हैं जहां पर श्रावणी मेला पर जो है भीड़ रहती है, उसके लिए भीड़ नियंत्रण के लिए और बाकी जो लोकल अरेंजमेंट है उसके लिए बल पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के डेपुटेशन का प्लान जिला स्तर पर बनाया जाएगा, उनको डेपुटेशन किया जाएगा, उनकी ब्रीफिंग की जाएगी। पुलिस मुख्यालय से कुल 18 जगहों पर बल प्रतियुक्त किया जा रहा है, जिसमें मुख्य जिले हैं बांका, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और अन्य जिले हैं, जिसमें रेल पटना और रेल जमालपुर, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु रेल से भी जाते हैं और उन जगहों पर हमने तैनाती की है। अन्य जिले जो हैं उसमें मोतिहारी, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सारण, बेगूसराय, बक्सर, मधुबनी, नौगछिया, वैशाली, खगड़िया भी शामिल है। तो कुल मिला के 18 स्थानों पर, 18 जिलों पर हम लोगों ने बलों को तैनात किया।